पिछले वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि क्यों मैं कहता हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं बीच में आपको सभी बात बता देता हूँ कि मुकाबला कैसा रहने वाला है और कितना इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, सभी बात आपको बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि मुकाबला कितना ज़्यादा रिस्की रहने वाला है। तो आपसे निवेदन रहता है हमेशा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो आप ही लोग का घाटा होगा। और यहाँ पे आपको बता दूँ कि AFC एशियन कप में मैंने पहले से ही बता रखा है आप लोगों को कि कम इन्वेस्ट करके चलना है। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे ईरान और ओमान के मैच के बारे में। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने इस भाई को सपोर्ट कर। तो चलिए भाइयों, बात कर लेते हैं बिना ही वक्त जाया कि यहाँ पे मुकाबले की। तो बिल्कुल ही मैच डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमेशा की तरह मैं यहाँ पे बता देता हूँ मैच डिटेल्स के लिए। और अगर आप टीम न्यूज़ की बात करो तो यहाँ पे मैं बता दूँ ईरान के जो स्टार हैं सईद इजातोहली, जो कि रूल्ड आउट हो गए हैं टूर्नामेंट से, तो इनको ट्राई मत कीजिएगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं ईरान के, तो काफ़ी लोग ट्राई करेंगे, आप ट्राई इनको मत कीजिएगा। और वहीं बता दें अलरेजा जहानबख्श जो कि फिट है फिर से, और वो आपको खेलते हुए नज़र आ भी सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से फिटनेस टेस्ट होगा उनका भी, तो चांसेस हैं उनके खेलने के, काफ़ी सारे चांसेस हैं। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे। और वहीं रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो ईरान जहाँ अपने पिछले 5 मुकाबलों में से 3 मुकाबला जीती और 2 मुकाबला यहाँ पे ड्रॉ रहा है इनका। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ईरान का परफॉर्मेंस पिछले 5 मुकाबले में अच्छा रहा, एक भी मुकाबला ये हारे नहीं। और वहीं ओमान जहाँ पिछले 5 में से केवल 2 ही मुकाबला जीते हैं, बाकी बात 3 मुकाबला ये हार गए हैं। और वहीं बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 जो रहने वाली है दोनों ही टीमों की, तो ईरान की तरफ से आपको, तो यहाँ पे ईरान की तरफ से आपको ब्रियानबंद और हजसफी, पौरलगंजी, हुसैनी, रियाजियन, तोरबी या फिर जहानबख्श में से कोई एक खेलेगा, तो यहाँ पे ये रिस्की हो जाएंगे। अमीरी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, दिजगाह आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, लेकिन ये भी रिस्की रहेंगे। इब्राहिमी के जगह पे हो सकता है आपको इब्राहिमी ही खेलते नज़र आ जाए, तो ये भी रिस्की रहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा से FC एशियन कप में कम इन्वेस्ट करके चलना है। और यहाँ पे तेरेमी आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, उनके बाद घोड्डोस हैं, अजमाउन हैं, तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली ईरान की। और वहीं बात कर ले ओमान की तरफ से आपको, ओमान की तरफ से आपको अल रशीदी खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, अल मुसलामी हैं, अल बुसाइदी हैं, अल बरीकी हैं, अल मुखैनी हैं, उनके बाद जो है अल महाजरी हैं, अल सादी है, रईद इब्राहिम हैं, रईद इब्राहिम साले, जी हाँ, अल होसनी या फिर अल यहमदी में से कोई एक खेलेगा, और अल हजरी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे, और मोहसिन अल गलासानी आपको खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये प्लेइंग 11 रहने वाली है ओमान की। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप किस प्रकार टीम बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं ड्रीम 11 की टीम जो आप बना सकते हैं इस मुकाबले के लिए, यानी कि ईरान और ओमान के लिए। देखिए आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन है, जैसे कि यहाँ पे आपके पास अल रशीदी है, और यहाँ पे हो सकता है कि आज के मुकाबले में आपको अमीर, हाँ रशीदी जी है, नहीं यहाँ पे आपको रशीदी या फिर ये ब्रियानबंद खेलते हुए नज़र आएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी को ट्राई करेंगे, लेकिन मेरी माने तो आप इन्हीं के साथ जाएं, क्योंकि सेफ रहेंगे। नाम थोड़ा इन लोगों का जो है अजीब है, तो अगर आप यहाँ पे इनको ट्राई करना चाहते तो हेड टू हेड में सबसे सेफ ऑप्शन रहने वाला, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। और वही डिफेंडर में बात करें तो देखिए हम हजसफी आपको खेलते नजर आ जाएंगे, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। आपके पास जो साद अल-मुखैनी है, ये आपको खेलते नज़र आ जाएंगे, यहाँ पर आप इनको ट्राई कर सकते हैं। हालाँकि मैंने यहाँ पर रिजियन को लिया, आप एक चीज़ देखेंगे कि ये पिछला मुकाबला नहीं खेले थे और इनका परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छा नहीं रहा था, हालांकि सबसे पहला जो ये मुकाबला खेले थे यानी कि 7 जनवरी को, उसमें इनका परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा था। तो काफ़ी कम लोग आज के मैच में इनको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको यहाँ पे आज लेके चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आज अच्छा प्रदर्शन रहेगा इनका। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रिस्की मुकाबला चलता है तो आप बिल्कुल ही कम इन्वेस्ट करके चले FC एशियन कप में। और बता दूँ आपको यहाँ से मैं मुर्तेजा को लेकर चल रहा हूँ, उनके बाद खालिद अल-बेकरी को लेकर चल रहा हूँ, तो खालिद अल-बेरैकी को यहाँ पर ले चलो। तो 3 जो मेरे डिफेंडर रहने वाले हैं, 2 ईरान के और 1 ओमान के, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और वहीं मिडफील्डर की बात करें तो अहमद मुबारक अल को मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ से इनको, और उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिया है इब्राहिम सले, और उसके बाद घुडूस को, और यहाँ पे जो मैंने रखा है चौथा जो मिडफील्डर मैंने अमीरी को, तो ये मेरे 4 मिडफील्डर हो गए। हालाँकि आप यहाँ से जाना चाहते हो, देखिए ये अगर आप इनके साथ जाना चाहें जहानबख्श के साथ, तो ये जो है मेरे हिसाब से रिस्की होंगे, हालांकि फिर भी देखें
तो 18% लोग गए हैं इनके साथ, हो सकता है आज के मुकाबले में, हो सकता नहीं, मैंने बोला भी है कि मौजूद तो हैं, लेकिन देखिए इसका फिटनेस टेस्ट होगा, क्या कहते हैं, खेलते हैं नहीं खेलते हैं, तो अगर आप जाना चाहते तो इनको भी लेके जा सकते हैं, और इनके साथ तो काफ़ी सारे लोग गए होंगे इस मुकाबले में। जी हाँ, बहुत लोग गए हैं डिजगा के साथ, तो आप भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इनको ड्रॉप किया है। और यहाँ पर मेहदी तोरबी हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे पिक हो जाएंगे, तो अच्छे खासे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, आप बिल्कुल ही ट्राई कर सकते हैं। इब्राहिमी, उमीद इब्राहिमी अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, तो आप इनको भी ट्राई कर सकते हो। फॉरवर्ड की बात कर तो अजमाउन जो है डिफ़ॉल्ट पिक रहने चाहिए सभी की टीमों, तो ये तो आप लेके चलेंगे ही चलेंगे। मेहदी तारमे, इनको मैं लेके चल रहा हूँ, उसके बाद मोहम्मद अल घसानी को लेके चल रहा हूँ, तो ये मेरे तीन जो है फॉरवर्ड के प्लेयर हो गए। और भाई कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो देखिए कैप्टन के लिए सबसे सेफ जो ऑप्शन रहने वाले हैं हेड टू हेड और स्मॉल के लिए अजमाउन ही रहने वाले हैं, और वाइस कैप्टन के लिए जो रहने वाले हैं तारमी को अगर साथ अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। हालांकि मैंने गड्डूस को जरूर यहाँ पर ट्राई किया है गड्डूस को, तो अगर आप यहाँ पर चेंजेस करना चाहें तो मोर्तेजा एक अच्छे पिक हो जाएंगे, इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गड्डूस एक बात बता दूँ आपको यही बेहतरीन चॉइस रहेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे देते हैं लगातार सभी मुकाबलों में, तो यहाँ से मैं इन दोनों के साथ जा रहा हूँ। हालांकि आप चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो हमारी टीम रहने वाली इस मुकाबले के लिए, और अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल एक दो चेंजेस करके जा सकते हैं। और उम्मीद है आपको अपने भाई का यह मेहनत पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने भाई के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।